अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर एंड माय सब्सक्राइबर, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नदीम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ट्रैवल वीज़ा इन्फो। तो मलेशिया और थाईलैंड एयरपोर्ट से क्यों डिपोर्ट कर देते हैं, क्यों नहीं इंट्री देती, क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो हमें कन्फर्म 100% इंट्री मिल जाएगी। तो बहुत मेरे भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि नदीम भाई, हम मलेशिया गए थे, थाईलैंड गए थे और हमें इंट्री नहीं मिली, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बना के अपने भाइयों को आगाह कर दूं, जो मेरे भाई मलेशिया थाईलैंड में जाना चाहते हैं उनको इंट्री मिल जाए और हमारे पास क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे हमें इंट्री मिल जाएगी, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हम मिस कर देते हैं जिसकी वजह से हमें इंट्री नहीं मिलती। तो इससे पहले, अभी तक जो भी मेरे भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी से पहुँचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने भाइयों को बताता हूँ, जो फर्स्ट है, जो पहले नंबर पे है, हमारे पास रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए। और टिकट कौन सी एयरलाइन की होनी चाहिए, आपके पास थाईलैंड की टिकट होनी चाहिए, थाई एयरवेज की टिकट होनी चाहिए, रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए। जब आप थाईलैंड एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपके पास क्या रिटर्न टिकट है, और आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, और आपके पास शो मनी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जो एजेंट लोग हैं, यहाँ से आप फ्लाई करवा देते हैं और रिटर्न टिकट नहीं होती, वहाँ से फिर वो एजेंट उन्होंने हायर किए होते हैं थाईलैंड से मलेशिया लेके जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान से जब मलेशिया जाते हैं, इनके पास कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए और शो मनी होनी चाहिए। और आपको पता है, कोई भी एयरपोर्ट पर आप जाएंगे, इमिग्रेशन वाले आपके साथ सवालात ऐसे करेंगे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, फिर आप उसका आंसर नहीं दे सकेंगे और फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे। और कॉन्फिडेंस के साथ आप उनके साथ डील किया करें, जो भी आपके साथ सवालात करते हैं उनका जवाब दिया करें, तो फिर आपको 100% इंट्री मिल जाएगी। और पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी आजकल यही चल रहा है, कोई भी पाकिस्तान से थाईलैंड और मलेशिया जा रहा है, बहुत कम उनको फ्लाई करने देते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं। और कोशिश करें, आपके पास कोरोना टेस्ट भी होना चाहिए, जो भी आपने वैक्सीन लगवाई है वो भी होनी चाहिए। वैसे रिक्वायर्ड नहीं है कोरोना टेस्ट, मगर एयरपोर्ट पर आपसे पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाया करें, आपके पास कंफर्म टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और शो मनी होनी चाहिए, फिर आपको इंट्री बहुत इजी मिल जाएगी। ये छोटी सी वीडियो बना के मैंने अपने भाइयों को आगाह किया है कि आप ये डॉक्यूमेंट साथ लेके जाया करें, फिर इंशाल्लाह 100% आपको इंट्री मिल जाएगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा वो भाइयों तक चली जाए जो थाईलैंड और मलेशिया का ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी ही कोई नेक्स्ट ऑथेंटिक वीडियो पर। अस्सलामुअलैकुम।